हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट बना रहे हैं। इस थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21, अ फोर्स एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस ए इज एग्जर्टेड ऑन अ पार्टिकल इन एडिशन टू अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड ए इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर है। ए क्या है? कॉन्स्टेंट वेक्टर है। इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन विथ व्हाट मिनिमम स्पीड निकालना क्या है? मिनिमम स्पीड निकालना होगा पार्टिकल ऑफ मास एम, एम दे दिया गया है और मास कितना है एम, बी प्रोजेक्टेड सो इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। एक बॉडी है इसका मास एम है, वेट एम जी लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स एफ लगेगा। एफ और ए दिया हुआ है, एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है जो कि हॉरिजेंटल की तरफ लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जान इक्वेशन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया इक्वेशन एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस ए अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है वी ए साइन थीटा और ये बराबर है एम जी के, दैट इज एम जी इज इक्वल टू वी ए साइन थीटा। तो वी इज इक्वल टू एम जी बाई ए साइन थीटा। हम लोग जानते हैं, देखिए वी और साइन थीटा, का रिलेशन कैसा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो वी का वैल्यू घटेगा। तो साइन थीटा मैंने साइन ए लिख दिए। साइन थीटा का कौन सा मान सबसे ज़्यादा होता है? तो 90 डिग्री का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग साइन 90 थीटा का 90 कर दें, मतलब 1 कर दे साइन थीटा, तो v इज इक्वल टू एम जी बाई ए साइन 90 डिग्री। ये हो गया आपका v मिनिमम। तो v मिनिमम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम जी बाई ए, दिस इज द डिजायर्ड मिनिमम स्पीड क्वेश्चन नंबर 22, इन अ सिंपल एटवुड मशीन टू अनइक्वल मासेस M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ क्लैम्प लाइट स्मूथ पुली। एक पुली से दो मास, ये मास मान लीजिए M1 M2 लटका दिया गया। इन अ टिपिकल अरेंजमेंट मास M1 इक्वल टू 300 ग्राम एंड 600 ग्राम, M2 इक्वल टू 600 ग्राम। द सिस्टम वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, दो सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दूसरा टेंशन निकालना है। तीसरा द फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए ऐसा सिस्टम है, M1 इक्वल टू, यहाँ वेट लगेगा M1G, यहाँ वेट लगेगा M2G। ये वेट भारी है, ये एक्सीलरेशन ए से नीचे आएगा, ये एक्सीलरेशन ए से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ टेंशन टी लगेगा, दोनों टी टेंशन लगा रहा है तो क्लैंप पे कितना टेंशन लगेगा, दैट इज 2T। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M1 का। ये मान लीजिए M1 है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, M1G, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन टी। और ये बॉडी मूव कर रहा है, नेट मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज ए एक्सेलरेशन से। तो M1A इसका नेट फोर्स लग रहा है। तो बड़ा फोर्स टी माइनस छोटा फोर्स M1G इज इक्वल टू M1A। यही दूसरा साइड में ये है दूसरा बॉडी M2, ये बॉडी में M2G वेट है लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा और फाइनल नेट एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ, इसके कारण फोर्स बन जाएगा M2A नीचे की तरफ गिर रहा था, M2G बड़ा होगा। M2G बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स टी इज इक्वल टू M2A। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा
एम टू माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ए, तो ए इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू जी। तो एम वन एम टू माइनस एम वन, एम टू माइनस एम वन कितना हो जाएगा, एम टू है देखिए ग्राम में दिया हुआ है, आपको निकालना है ऐसा यूनिट में निकालिए, तो ग्राम में दिया उसको केजी में चेंज कर दीजिए, 600 ग्राम हो जाएगा 0.6 केजी और 300 ग्राम हो जाएगा 0.3 केजी। तो ये हो जाएगा 0.6 केजी माइनस 0.3 केजी डिवाइडेड बाई 0.6 प्लस 0.3 इंटू 9.8। तो ये हो गया आपका 0.3 बाई 0.9 इंटू 9.8, 9, 3 × 9, 3 × 6, 18, 3 × 6, 18, 3.26, दैट इज एक्सेलरेशन निकला कितना, एक्सेलरेशन निकला 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रेस्ट से यहाँ बॉडी देखिए रेस्ट में लिख दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना निकल कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया इस बॉडी का, ठीक है। तो पहला ब्लॉक के लिए निकाला, फाइंड द टेंशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक, माने फर्स्ट ब्लॉक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस चलेगा ये निकालना है। ए कितना है, तो 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी यू जीरो तो यू टी पूरा जीरो, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो जीरो प्लस हाफ ए का वैल्यू 3.26 और 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 सेकंड के लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा 3.2 खत्म हो जाएगा, तो ये 3.26 डिवाइडेड बाई सॉरी इंटू 2, 6 × 12, 6 × 5, 3 × 6, 6.52 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा ये जो ब्लॉक है, 6.52 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब टेंशन निकालने का बात आया, तो देखिए टेंशन के लिए कुछ नहीं है, यही फोर्स को ये जो इक्वेशन निकला, ए का वैल्यू निकला, ए का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस डायग्राम को मिटाते हैं, ये एक इक्वेशन ले लिए, टी इज इक्वल टू टी माइनस सॉरी टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए, कोई भी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पुट कर दीजिए, एम वन का वैल्यू कितना 0.3, तो जीरो इसको उधर ले जाएंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे, टी इज इक्वल टू एम वन जी प्लस एम वन ए, एम वन को कॉमन ले लीजिए जी प्लस ए, तो एम वन हो गया 0.3, 300 ग्राम है इंटू जी हो गया 9.8 प्लस 3.26, तो हो गया 8, 2, 10, 9, 13, 13.06, 13 ले लेते हैं, 13 इंटू 0.3 दैट इज 3 पॉइंट, टेंशन जो निकला वो 3.9 न्यूटन के बराबर है, टेंशन 3.9 न्यूटन। अब तीसरा चीज निकालना है कि फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, तो याद है देखिए हम लोग क्या देखे, ये जो पुली लटका हुआ था ऐसे ऐसे, यहाँ पर टेंशन टी लग रहा था, यहाँ टेंशन टी लग रहा था, इस पर कितना, यहाँ पर 2T लगेगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो 2T के बराबर हो जाएगा, तो टेंशन फाइंड सॉरी टेंशन नहीं फोर्स एग्जर्टेड, ये जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू वो 2T के बराबर होगा, तो टेंशन अभी हम लोग निकाले 3.9 दैट इज 2 × 3.9 दैट इज हमने उठाया पीछे 7.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा क्लैंप पे, 3.9 टेंशन पे, टेंशन लगेगा स्ट्रिंग पे, और वो होगा आपका 6.52 सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट का, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2 सेकंड में 23।
कंसिडर एटवुड मशीन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन. द प्रीवियस क्वेश्चन के एटवुड मशीन को लिया गया. द लार्जर मास इज स्टॉप, तो लार्जर मास इसमें M2 था, M2 में M2G लग रहा था, M1 में M1G का वेट लग रहा था, दोनों में टेंशन टी था. प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे ये भारी 0.66 केजी का था, ये 0.3 केजी का था. ये भारी होने के कारण ये एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा था. ये प्रीवियस क्वेश्चन का एक डाटा सब है. दो सेकंड देखिए, जब ये नीचे गिरने लगा तो दोस्त द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट 2 सेकंड आफ्टर द सिस्टम सेट इनटू मोशन. दो सेकंड जैसे ही मोशन का हुआ हम इसको रोक देंगे. कौन? हेवियर बॉडी को, एम टू को रोक देंगे. तो क्या होगा, ये एम वन कुछ दूर तक ऊपर जाएगा, तो कितना देर के लिए रुकेंगे फिर उसको छोड़ देंगे, ये स्ट्रिंग फिर से टाइट अप हो जाए. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इस प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे ए इज इक्वल टू 3.26 और टेंशन जो था उसमें 3.9 न्यूटन, ये हम लिख लिए हैं पहले से ही. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में इतना डाटा आया था और वो आया था, ये दिया हुआ था. तो एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रहा है. तो 2 सेकेंड बाद देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है. अभी हमको देखिए इतना दिया हुआ है, 2 सेकेंड बाद इसको रोकना है. टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना? 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जब रेस्ट से छोड़ा गया तो u इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू U plus 80. तो A का वैल्यू कितना है? 3.26. तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 सेकंड बाद? तो V इज इक्वल टू U0, A हो गया 3.26 इंटू 2, दैट इज 6.52 मीटर पर सेकंड का स्पीड अचीव कर लेगा 2 सेकंड बाद. अब क्या किए, इसको हम रोक दिए. तो क्या ये तुरंत तो नहीं रुक जाएगा? ये इतना वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी से ऊपर उठेगा, माइनस में होगा. लेकिन फिर क्या होगा, और एक मैक्सिमम और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0. तब जाकर वो वहाँ रुकेगा और नीचे की तरफ जैसे आएगा ये इधर से छोड़ देने का. तो हमको टाइम निकालना होगा उसमें कितना टाइम के लिए रुकेगा. तो अब नया केस में U इज इक्वल टू हो गया 6.52 मीटर पर सेकेंड, V इज इक्वल टू 0. ठीक है, और एक्सेलरेशन हो जाएगा G के बराबर, दैट इज 9.8. अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, दैट इज माइनस लगेगा. तो V इज इक्वल टू U प्लस 80, ये फॉर्मूला बदल जाएगा, U माइनस GT इस तरह से बदलेगा. तो U का V का वैल्यू 0, U का वैल्यू हो गया 6.52 माइनस G का वैल्यू 9.8 इंटू टाइम, कितना टाइम लगेगा उसे निकालना है हम लोग को. तो 6.52 माइनस में इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी, माइनस माइनस खत्म. 6.52 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2/3 कर देते हैं, 2/3 सेकंड. नंबर 24, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ 3 केजी. द स्ट्रिंग सोन इन फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट. ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ एंड द स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर लाइट. तो कुछ नहीं है, ये एक रॉड है जो कि पुल्ली और स्ट्रिंग से बांध दिया गया. 32 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है. ऑब्वियस बात है, फोर्स ज़्यादा है इधर, तो इधर इस साइड मूव करना चालू कर जाएगा. तो यहाँ रॉड को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक 10 सेंटीमीटर वाला भाग, एक 20 सेंटीमीटर वाला भाग. टोटल 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ है. तो मास
एक इंडिविजुअल मतलब 10 10 सेंटीमीटर वाले का मास कितना होता है? मास पर यूनिट लेंथ एक्चुअली निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू मास कितना है, तो 3 kg है, तो 3 kg बाई 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 kg पर सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट का कितना वेट होगा, तो वेट मास ऑफ 10 सेंटीमीटर पार्ट इज इक्वल टू 0.1 × 10 सेंटीमीटर, तो यूनिट कैसे हो जाएगा, 0.1 kg पर सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो kg में निकल जाएगा, दैट इज 0.1 × 10, दैट इज 1 kg। इसी तरह से मास ऑफ 20 सेंटीमीटर पार्ट इज इक्वल टू 0.1 × 20, दैट इज 2 kg। मतलब ये वाला वेट है 1 kg, ये वाला वेट है 2 kg, टोटल मिला के देखिए 3 kg आ गया ना, ठीक है। तो इस पर देखिए, इसको अगर दो भागे बांटे, ये इधर F फोर्स लगा रहा है, इधर ये F फोर्स इक्विलिब्रियम मतलब बराबर बराबर फोर्स लगा रहा है। अलग अलग डायग्राम अगर हम लोग बनाए फ्री बॉडी डायग्राम, तो मान लीजिए ये 1 ग्राम वाला 1 kg वाला पार्ट है, 1 kg वाला अगर पार्ट है, तो सबसे पहले इसमें A1 × g mg, दैट इज 1 × g mg फोर्स नीचे लगेगा, रिएक्शन मान लेते हैं R1 ऊपर तरफ लगेगा, ठीक है। ये बॉडी इधर 2 kg वाला वेट, इधर एक फोर्स लगाएगा और इधर तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है ही। ये पूरा सिस्टम देखिए, पूरा सिस्टम को समझिए, तो 32 न्यूटन इधर, इधर 20 न्यूटन, ज़्यादा फोर्स इधर है, कम फोर्स इधर है, तो सिस्टम किधर भागेगा, इस साइड भागेगा। तो ये बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज टोटल फोर्स, तो F ये फोर्स, फोर्स कैसे निकालेंगे, ये इंटू मास 1 kg दिया हुआ, तो 1 × a, तो ये 1 × a के फोर्स लग रहा है, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स। अच्छा, दूसरा बॉडी 2 kg वाला वेट है, ये क्या कर रहा है, ये 32 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, इधर mg लगाएगा, 2g नीचे ऊपर की तरफ R2 रिएक्शन लग रहा है, और इधर हम F फोर्स लगा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम, ये भी पूरा सिस्टम क्या है, इस साइड में जाएगा, दैट इज़ 2 × a एक्सेलरेशन से। तो ये हम लोग पहला इक्वेशन निकला था, दूसरा इक्वेशन इससे क्या निकालेंगे कि बड़ा फोर्स 32, ये F छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स 2 × a का नेट फोर्स 2 a। ये दूसरा इक्वेशन है, तो पहला या दूसरा इक्वेशन, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, F माइनस 20 इज इक्वल टू 1 a, तो F इसको क्या हो गया, 12 इज इक्वल टू 3 a, तो a इज इक्वल टू 12/3, दैट इज 4 m/s² एक्सेलेशन निकला। ये एक्सेलेशन का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मानिए पहला इक्वेशन में पुट कर दिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर वन, तो हमें क्या मिलेगा, F माइनस 20 इज इक्वल टू 1 × a, F इज इक्वल टू 20 + 1 × a, a का वैल्यू 4, तो 20 + 4, दैट इज 24 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। 2 kg वाला वेट का जो रॉड है, वो 1 kg वाले रॉड पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, सॉरी 24 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, कंसीडर द सिचुएशन शो इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ऑल द सर्फेसिज आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड पुलिस आर लाइट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स, ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये 3, 4, 5 दिया हुआ, इसका मतलब ये जो है ये 90 डिग्री है,
ये पाइथागोरस का रूल को फॉलो कर रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा रूट, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा। तो ये पाइथागोरस का रूल फॉलो कर रहा है, ये 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल मान लिया थीटा वन है, ये एंगल मान लिया थीटा टू है, तो साइन थीटा वन इज इक्वल टू पी बाई एच दैट इज 4/5 एंड साइन थीटा टू इज इक्वल टू पी बाई एच दैट इज 3/5। तो अलग अलग फोर्स देखते हैं कितना कितना लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है, ये एंगल थीटा बना रहा है इससे थीटा वन, तो ये हो जाएगा जी फोर्स नीचे, एम जी नीचे काम करेगा, और ये हो जाएगा आपका ये होगा थीटा, तो दिस इज एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और यहाँ रिएक्शन आर काम करेगा, ठीक है। तो और इस तरफ क्या काम करेगा, इस तरफ काम करेगा ये टेंशन टी काम करेगा। अब बात होता है कि बॉडी किधर को लुढ़केगा, तो इधर देखिए ढलान ज़्यादा है 4/3 साइन थीटा इक्वल टू 4/5 या 3/5, तो ये ज़्यादा है, तो इस साइड ढलान होने के कारण ये बॉडी इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। तो नेट फोर्स किधर लगा, M1A इधर लगा, सब इसमें M1 होगा क्यों, 1 kg मास। अच्छा मास दोनों तो सेम भी है, तो M1 M2 करने से का मतलब नहीं, दोनों को M कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया, इधर फोर्स आया, नेट फोर्स इधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो बड़ा फोर्स में छोटा फोर्स छोटा फोर्स, तो बड़ा फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा वन माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक है, इस साइड एम जी साइन थीटा टू, इधर एम जी लगेगा, इधर एम जी कॉस थीटा लगेगा, इधर आर लगेगा, इस साइड टेंशन टी लगेगा इस पर, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा एम ए लगेगा। तो नेट फोर्स इधर, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टोटल फोर्स, तो इससे बन जाएगा टी माइनस एम जी साइन थीटा टू इज इक्वल टू एम ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। तो वन और टू इक्वेशन, दो इक्वेशन मिला, इससे हम लोग एक जगह लिखते हैं एम जी साइन थीटा वन माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर वन। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो टी खत्म, यहाँ बना एम जी, कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू इज इक्वल टू टू इंटू एम ए, एम खत्म, ए इज इक्वल टू जी बाई टू, ये हो गया साइन थीटा वन, साइन थीटा वन इक्वल टू 4/5 और ये 3/5, तो 4/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू ए टोटल इक्वल टू ए। तो ये हो गया आपका 1/5 इंटू जी बाई टू इज इक्वल टू ए, तो सो ए इज इक्वल टू जी बाई 10, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका वैल्यू। नंबर 26, अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम टू जी बाई टू, ये दिया हुआ एफ का वैल्यू, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास एम वन एज सोन इन फिगर। एफ वन फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू दिया हुआ एम टू जी बाई टू। द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट एंड द सर्फेस आर टेबल आर स्मूथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम वन। तो देखिए ये एम टू वेट लग रहा है नीचे की तरफ, तो एम टू जी वेट नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन इस साइड होगा, अगर इधर होता है तो इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड होगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि देखिए ये एम टू जी जो फोर्स लग रहा है इसमें अगर देखिए एफ इक्वल टू एम टू जी बाई टू है, जो कि इसका वेट का जस्ट आधा है, इसलिए मतलब इस फोर्स का आधा फोर्स है इधर,
तो एक्सेलरेशन इस एम टू जी की तरफ या राइट साइड की तरफ होगा, एम वन का राइट साइड की तरफ होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए पहला बॉडी एम वन के लिए, तो ये हो जाएगा एम वन जी ऊपर की तरफ आर, इधर की तरफ ये टेंशन टी लगेगा और इधर की तरफ एफ लगेगा। और चूंकि नेट एक्सेलरेशन किधर लगेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ए, एफ इज इक्वल टू एम वन ए, ये होगा। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, नेट इधर होता है बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू टोटल फोर्स, दैट इज टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम वन ए, ठीक है। और दूसरा ये है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये होगा एम टू जी नीचे की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ टी काम करेगा, और ये चूँकि इधर नीचे की तरफ ए आ रहा है तो फोर्स इसमें हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम टू ए। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, दैट इज एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए, ये इक्वेशन नंबर वन है। इक्वेशन नंबर टू है, वन बाई टू या टू बाई वन कीजिए, तो टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम वन ए, इक्वेशन नंबर वन है। इससे देखिए दोनों को जोड़ देंगे, ये टी खत्म हो गया, एम एफ इज इक्वल टू यहाँ पर एम टू जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए, एफ इज इक्वल टू यहाँ से एम टू जी बाई टू है, तो एम टू जी बाई टू माइनस एम टू जी इधर है और एम वन प्लस एम टू ए, तो एक में से आधा ही आधा बचेगा, दैट इज एम टू जी बाई टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए। सो A is equal to M two G by two into M one plus M two. Question number 27. In this figure, M one equal to 5 kg, M two equal to 2 kg, and F equal to 1 newton. Find the acceleration of the either block. दोनों का acceleration निकालना है. Describe the motion of M one. If string breaks but F continues to act, देखिए M1 के कारण जो फोर्स लग, जो ये फोर्स लग रहा है यहाँ टेंशन दोनों में T T लगेगा। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मानिए ये M1 है, कितना लगेगा M1G, एक फोर्स पहले से F लग रहा है, एक फोर्स पहले से एफ लग रहा है, ऊपर में कितना टेंशन टी लगेगा। अब चूंकि एम वन 5 किलो का है, 2 किलो का है, तो भारी है एम वन, तो एक्सेलरेशन इस साइड होगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा, तो ये टोटल नेट फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू मतलब जो भी फोर्स लगेगा वो एम ए के बराबर लगेगा, एम वन ए। अब बड़ा ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नेट फोर्स नीचे है, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स टोटल फोर्स, तो बड़ा फोर्स हो जाएगा एम वन जी प्लस एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, ये पहला फोर्स पहला हो गया इक्वेशन। अच्छा, इससे हम लोग पहले टी निकालते हैं, टी इज इक्वल टू एम वन जी प्लस एफ माइनस एम वन ए इज इक्वल, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए, ये मान लीजिए M2 है, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन T लग रहा है, एक्सेलरेशन A का फोर्स MA ऊपर की तरफ ही जाएगा, एक फोर्स F लग रहा है, दूसरा फोर्स इसमें M2G लगेगा, तो बड़ा फोर्स माने छोटा फोर्स इसका टोटल फोर्स, देखिए क्या बन जाएगा, टी माइनस एफ माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, तो टी इज इक्वल टू एफ प्लस एम टू जी प्लस एम टू ए, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। वन और टू दोनों बराबर कर देंगे, टी बराबर है एल एच एस बराबर है, इक्वल टू आर एच एस कर दीजिए, तो एम वन जी प्लस F माइनस एम वन ए इज इक्वल टू एफ प्लस एम टू जी माइनस
एम टू ए, एफ एफ ख़त्म, बचेगा क्या, जी को इधर ले आए, जी वाले टर्म को, तो एम वन माइनस एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन देखिए एम वन जी एफ माइनस ए प्लस एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू ए, ये ए के बराबर है, कितना हुआ तो पाँच प्लस पाँच माइनस दो बट्टा पाँच प्लस दो इंटू जी का वैल्यू 9.8, पाँच माइनस दो ये थ्री, थ्री में सॉरी फाइव प्लस टू, फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, फाइव प्लस टू सेवन इंटू 9.8, तो सारे कम सात सौ अट्ठाईस 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ए का वैल्यू। अब ये मानिए स्ट्रिंग यहाँ से टूट गया तो ये टेंशन कितना जगह जीरो, तो पहला इक्वेशन में ये टेंशन इक्वल टू कितना जगह जीरो, तो ये पहला इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं एम वन जी प्लस एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, यहाँ टी इक्वल टू जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, तो एम वन जी प्लस एफ इज इक्वल टू एम वन ए हो जाएगा। तो हमको यहाँ एक्सलेशन कितना हो जाएगा, तो चूंकि एम वन के लिए ही मांगा है तो एम वन के लिए ही करना है, तो एम वन कॉमन निकल जाएगा जी माइनस सॉरी यहाँ एम वन हो जाएगा आपका 5 किलो, 5 इंटू जी 9.8 प्लस 1 इज इक्वल टू एम वन ए, एम वन हो गया आपका 5, तो 49 प्लस 1 दैट इज 50 इज इक्वल टू 5 ए, सो ए इज इक्वल टू 50 बाई 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। जब ये टूट जाएगा स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा तो इतना हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी के टर्म में लिखना है तो जी इसमें रहने दीजिए, जी रख के आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ जी के वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो 5g प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा g प्लस 1 बाई 5 इज इक्वल टू ए। नंबर 28, लेट m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg एंड m3 इक्वल टू 3 kg इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1, m2 एंड m3। The string from the upper pulley to M1 is 20 cm when the system is released from the rest. How long will it take before M1 strikes the pulley? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मास M1 एक kg का है, ये 2 kg का है, दैट इज 1 2 kg का और ये 3 kg का है। जब इसको तीनों का एक्सेलरेशन अलग अलग अपना निकालना है, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली मतलब मास अपर पुली से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस दिया है वह 20 सेंटीमीटर, वेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट हाउ लॉन्ग। देखिए पहला चीज़ तीनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना है और तीसरा निकालना है कि ये पुली यहाँ तक टकराने में मतलब यहाँ तक पहुँचने में जो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना समय लगाएगा। तो सबसे पहले जब ये कुछ डिस्टेंस ऊपर चला तो ये पूरा सिस्टम जो है वो नीचे की ओर आएगा, ये सिस्टम पूरा जो है नीचे की ओर आएगा और इसके कारण ये जो पुली है, देखिए ये मास सबसे ज़्यादा इसमें M3 का है 3 किलो, तो ये भी ये नीचे आएगा, ये कुछ घसक के नीचे आया और ये कुछ पार्ट घसक के नीचे आएगा, क्योंकि ये इस बॉडी के मैंने इस सिस्टम के अगर बात करें इस सिस्टम का सिर्फ तो ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, लेकिन अगर पूरा सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम भी
एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा कम नीचे आएगा लेकिन आएगा। तो ये अगर डिस्टेंस मान लें एक्स वन अगर ऊपर गया है तो ये पुली भी एक्स वन नीचे आएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब ये मान लीजिए एक्स टू डिस्टेंस कवर करेगा और ये डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए एक्स थ्री, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कि ये डबल डिस्टेंस मैंने इधर से इधर तक पूरा है, टू टू एक्स वन, ये टू एक्स वन प्लस एक्स वन दैट इज टू एक्स वन डिस्टेंस, टू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब अगर मास का बात करें थोड़ा सा इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं, इसके इससे क्या हो जाएगा, हम लोग एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं रिलेशन टू ए वन इक्वल टू ए टू प्लस ए थ्री। मान लीजिए ये बॉडी का एक्सेलरेशन ए वन है ऊपर की तरफ, ये बॉडी का एक्सेलरेशन ए टू है, ये बॉडी का एक्सेलरेशन तीन नंबर का ए थ्री है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करके डायग्राम बनाते हैं फिर से। ये कुछ इस तरह के सिस्टम है, तो इस पर मान लीजिए टेंशन टी लगा, तो इस पर भी टेंशन टी लगेगा, और ये चूंकि इस पुली से कनेक्टेड है तो इसमें टू टी का फोर्स लगेगा और इसमें टू टी का, दोनों में टू टी ऊपर टू टी टेंशन लगेगा, इसमें टी मान लिया, या फिर इसको टी माने तो इसको टी बाई टू मानना होगा, ठीक है। तो हम लोग बाई टू का झमेला से बचने के लिए टी और टू टी मान लेते हैं। इसमें मान लीजिए M1 G नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ये M2 G लगेगा, इसमें M3 G लगेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक नंबर बॉडी M1 के लिए ये ऊपर लगेगा 2T, नीचे लगेगा M1 G और ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ, तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू नेट। तो हम लोग 2T माइनस M1 G इज इक्वल टू M1 के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2T माइनस G इज इक्वल टू A1, ठीक है। A1 है इसका एक्सेलरेशन, A1 है। तो हम लोग ये अपना पहला इक्वेशन। दूसरा बॉडी के लिए अगर बात करें, ये M2 है तो नीचे की तरफ M2 G लगेगा, ऊपर की तरफ T लगेगा और ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, A2 का एक्सेलरेशन है। तो M2 G माइनस T इज इक्वल टू M2 A2, M2 के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2G माइनस T इज इक्वल टू 2 A2, ये इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा बॉडी ये T ऊपर लग रहा है, ये M3 G नीचे की तरफ लगेगा और एक्सेलरेशन इसका A3 होगा। तो तीसरा बॉडी के लिए बनेगा M3 G माइनस T इज इक्वल टू M3 A3। तो M3 का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3G माइनस T इज इक्वल टू 3 A3। तीनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, तीनों इक्वेशन को एक जगह लिखते हैं तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा, तीसरा, इसको चौथा, दूसरा इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन 2T माइनस G इज इक्वल टू A1, ये दूसरा इक्वेशन 2G माइनस T इज इक्वल टू 2A2, ये तीसरा इक्वेशन, और ये चौथा इक्वेशन हो गया 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A2, ये चौथा इक्वेशन हो गया। इसको इस तरह से सॉल्व किया कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से 2T माइनस G इज इक्वल टू A1 और 2G माइनस T इक्वल टू 2A2। T को बराबर करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, तो पहला इक्वेशन तो एज इट इज लिखे 2T माइनस G इक्वल टू A1 और इसको लिखेंगे 4G माइनस 2T इज इक्वल टू 4A2।
तो टी जी टू टी टू टी खत्म हो जाएगा, तो ये फोर जी माइनस जी इक्वल टू थ्री जी ए वन प्लस फोर ए टू, इसको टू से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ए वन की वैल्यू हम लोग पहला इक्वेशन से लिखेंगे, तो सिक्स जी इक्वल टू टू ए वन प्लस एट ए टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टू ए वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी गेट सिक्स जी इज इक्वल टू ए वन की जगह लिख देंगे ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू एट ए टू, तो सिक्स जी इज इक्वल टू ए थ्री प्लस एट ए टू प्लस वन ए टू नाइन ए टू, तो ए थ्री प्लस नाइन ए टू ये फिफ्थ इक्वेशन हो गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं सिक्स जी इज इक्वल टू ए थ्री प्लस नाइन ए टू, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर टू और फोर से टू टी माइनस जी, देखिए टू टी माइनस जी इज इक्वल टू ए वन और थ्री जी माइनस टी इक्वल टू थ्री ए थ्री थ्री ए थ्री, तो इसको हम लोग टू से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा टू टी माइनस, तो पहला दूसरा इक्वेशन एज इट इज लिख दिए और इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके लिखा तीन दूनी छः माइनस टू टी इक्वल टू सिक्स ए थ्री। मल्टीप्लाई करने का मोटो सिर्फ इतना है कि हम लोग ये टी को टू टी कर दें ताकि हम लोग टू टी काट सके, तो टू टी टू टी खत्म हो गया, ये हो गया सिक्स जी माइनस वन जी दैट इज फाइव जी इज इक्वल टू ए वन प्लस सिक्स ए थ्री, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें टेन जी इज इक्वल टू टू ए वन प्लस छः दूनी बारह ट्वेल्व ए थ्री। अब ए टू ए वन का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे ए वन ए टू प्लस ए थ्री, तो टेन जी इज इक्वल टू ए टू प्लस ए थ्री प्लस ट्वेल्व ए थ्री, तो ए टू प्लस ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन ए थ्री, तो ये हो गया सिक्स इक्वेशन टेन जी इज इक्वल टू ए टू प्लस थर्टीन ए थ्री, ये हो गया सिक्स इक्वेशन। पढ़ते हुए सिक्स जी इज इक्वल टू, देखिए दो इक्वेशन निकला था हम लोग पाँच और छः, तो पाँच और छः से हम लोग देखिए दो अननोन है दो दो इक्वेशन है, तो ए टू ए थ्री की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो सिक्स जी इज इक्वल टू ए थ्री प्लस थ्री नाइन टू नाइन ए टू और टेन जी इज इक्वल टू ए टू प्लस थर्टीन ए थ्री, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए नाइन से मल्टीप्लाई कर दिया इसको एट काटने के लिए काटें, तो हम लोग ए थ्री का वैल्यू इससे निकल गया ट्वेंटी वन जी बाई ट्वेंटी नाइन। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए थ्री इन इक्वेशन सिक्स या फाइव इसमें भी पुट करना कीजिए, हम यहाँ सिक्स में पुट किए हैं, तो टेन जी इक्वल टू ए टू प्लस थर्टीन ए थ्री, तो टेन जी इज इक्वल टू ए टू प्लस थर्टीन इंटू ट्वेंटी वन जी बाई ट्वेंटी नाइन, तो इसको सॉल्व किए तो आया ट्वेंटी नाइन ए टू इज इक्वल टू सेवेंटीन जी बाई ट्वेंटी नाइन। अब ये दोनों वैल्यू ए टू और ए थ्री का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, दैट इज टू ए वन इक्वल टू ए टू प्लस ए थ्री, तो सेवेंटीन जी बाई ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी वन जी बाई ट्वेंटी नाइन इक्वल टू टू ए वन, इसको सॉल्व करने पर ए वन इक्वल टू नाइनटीन जी बाई ट्वेंटी नाइन आया, तो तीन वैल्यू हम लोग को मिल गया ए वन इज इक्वल टू नाइनटीन जी बाई ट्वेंटी नाइन, ए टू इज इक्वल टू सेवनटीन जी बाई ट्वेंटी नाइन और ए थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी वन जी बाई। लेसन निकल आने के बाद हम लोग का जो पुली था ये जो मास एम वन था ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करके ये ऊपर पुली में कब स्ट्राइक कर जाएगा, तो इसके लिए ये डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है 20, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इनिशियल जीरो से छोड़ा गया रेस्ट छोड़ा गया है, तो यू इक्वल टू जीरो, तो यू टी इज इक्वल टू पूरा टर्म जीरो, तो एस इक्वल टू हाफ ए वन, क्योंकि मास हम लोग का एम वन का निकालना है तो इसका एक्सेलरेशन ए वन है, तो हाफ ए वन टी स्क्वायर, तो जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू हाफ ए वन के वैल्यू यहाँ से ले लिया हम लोग 19 बाई 29 जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 ये ऊपर के लिए 0.4 बाई 19 9.8 जी का वैल्यू 9.8 बाई 20 इंटू ऊपर 19, तो टी इज इक्वल टू 0.25 सेकंड, ये आपका आंसर आएगा। तो ये तीनों का एक्सेलरेशन और ये टाइम टू रीच द मास एम वन टू द पुली। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है इन द प्रीवियस क्वेश्चन सपोज एम टू इज इक्वल टू टू के जी एंड एम थ्री इक्वल टू थ्री के जी, वाट शुड बी द मास एम सो दैट इट रिमेन्स इन कॉन्स्टेंट। देखिए पहला इससे पहले जो 28 नंबर क्वेश्चन था उसमें एक इस तरह का डायग्राम था, ये M2 दो किलो का था दैट इज M2 और ये M3 जो है वो तीन के जी का था, ये M1 उसमें एक के जी दिया गया था, अभी बोलता है कि ये कितना मास M M मास कितना रहे कि ये सिस्टम जो है रिमेंस एट रेस्ट, M सो दैट इट रिमेंस एट रेस्ट, M कितना रहे
कि ये ऊपर ना जाए, यही खाली मोमेंट हो, तो कितना कैसे होगा? मान लेते, देखिए मान लेते ये सिस्टम को रेस्ट में है, ये टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है ये मूवमेंट नहीं करे, तो सिर्फ ये मूवमेंट करेगा, तो ये मास, देखिए ये टी टेंशन, टी इधर दोनों में लगेगा, इसमें एम जी एम टू जी लगेगा, इसमें एम थ्री जी लगेगा, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा, ये सेम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, दो तीन नंबर ब्लॉक का, दैट इज एम थ्री का, तो ये एम थ्री है, नीचे एम थ्री जी लगेगा, ऊपर टी लगेगा, और एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ आ रहा है, नेट ए एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, इक्वेशन एम थ्री जी माइनस टी इज इक्वल टू एम थ्री ए, क्यों? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तब तो ये नीचे आ रहा है टोटल फोर्स, ठीक है। तो थ्री तीन किलो दिया हुआ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम थ्री, थ्री जी माइनस टी इज इक्वल टू थ्री ए, ठीक है। अब दूसरा ब्लॉक के लिए बनाते हैं, सेकंड ब्लॉक के लिए, ये एम टू जी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ टेंशन टी, और ये ब्लॉक ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, दैट इज टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम टू, एम टू वैल्यू कितना दिया हुआ है, टू जी, टू, तो टू जी इज इक्वल टू टू ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या करना है, ए का वैल्यू को हटा देना है, तो ए के वैल्यू हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको इसको दो से गुना करते हैं, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को एक से गुना करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तीन सिक्स जी माइनस टू टी इज इक्वल टू सिक्स ए, और सिक्स टी माइनस सिक्स जी, सॉरी थ्री टी, थ्री टी माइनस सिक्स जी इज इक्वल टू सिक्स ए, इसको घटा देते हैं, तो सिक्स ए, सिक्स ए ख़त्म, तो सिक्स जी प्लस सिक्स जी माइनस टू टी माइनस थ्री टी इज इक्वल टू जीरो, तो ट्वेल्व जी इज इक्वल टू तीन दो पाँच, उधर चला जाएगा तो फाइव टी, ये हो गया। तो इससे हम लोग को क्या मिला, ट्वेल्व जी इज इक्वल टू फाइव टी, ट्वेल्व जी इज इक्वल टू फाइव टी, फाइव टी। अब हम लोग पहला ब्लॉक के लिए बनाते हैं, तो पहला ब्लॉक में बोलता है ये मास एम है, तो एम जी फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, तो ये टी टेंशन इधर लग रहा है, तो इसमें कितना लग जाएगा, टू टी, हम लोग पहले भी डिस्कस किए, टू टी, और इसमें 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 भी टू टी लगेगा, तो ऊपर की तरफ टू टी का टेंशन लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है, चूंकि ये बॉडी रेस्ट में, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई मोमेंट नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे टू टी इज इक्वल टू, इसके लिए क्या क्वेश्चन आएगा, टू टी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब यहाँ टू टी, टी का वैल्यू यहाँ से आया, टी इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई फाइव जी, तो टी के वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, ट्वेल्व बाई फाइव जी इज इक्वल टू एम जी, जी जी ख़त्म हो जाएगा, और एम इज इक्वल टू चौबीस बट्टा पाँच, चौके बीस चालीस, पाँच बटे चालीस, फोर पॉइंट एट के जी। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर, ये फिगर दिया गया है, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट इन ऑल द सर्फेस आर फ्रिक्शनलेस, टेक जी इज इक्वल टू टेन, कुछ नहीं है, एक एक किलो का मास दो है, एक मास को हैंग कर दिया गया, एक पुली के सहारे, दूसरा पुली के सहारे इसको ऐसे अटैच किया गया, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा, कि अपने से तो दाया बाया होगा नहीं, दाया तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऊपर कैसे खींचेगा, तो ये अपनी तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन ए, और ये सेम एक्सेलरेशन से ए क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला बॉडी के लिए हम लोग देखिए टेंशन कितना लगेगा, टी, ठीक है, और ये भी टेंशन टी लगेगा, तो फर्स्ट बॉडी के लिए मतलब ये मान लिया, फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं इसको, तो ऐसे नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी फोर्स लगेगा, दोनों के लिए एक किलो, इसलिए एम मान लेते हैं वन किलो,
ऊपर की तरफ टेंशन टी काम करेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ए। तो बड़ा फोर्स एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा। अब इस बॉडी के लिए देखिए, इस बॉडी, ये बॉडी क्या ऐसा है और टेंशन किधर लग रहा है, इधर। तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स कितना होगा, कितना रोकेगा इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एम ए। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाए, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस टी इज इक्वल टू टी, एम ए का वैल्यू टी है तो टी लिख दिए। तो एम जी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, दैट इज टू टी, सो टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू एम जी बाई टू। एम का वैल्यू वन है, जी का वैल्यू टेन लेना है, जी का वैल्यू यहाँ से टेन लेना है, डिवाइडेड बाई टू, दैट इज फाइव न्यूटन का टेंशन लगेगा। तो ये था थर्ड पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक बनाए हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के बीच में इसको सब शेयर कीजिए। और अभी तक अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फर्दर कोई भी वीडियो बनाए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 4 बनाएंगे, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।